यूं तो अगस्त माह की दुनिया में अलग पहचान है। हर कोई जानता है कि हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी और दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा में इस दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही पूज्य गुरु संत डॉक्टर राम रहीम सिंह जी इंसा ने अवतार धारण किया था। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी केवल 15 अगस्त को ही नहीं बल्कि पूरे अगस्त माह को पावन अवतार माह रूप में मनाते हैं। हर वर्ष जैसे ही अगस्त माह की शुरुआत होती है, आधी रात से ही गुरु के अवतार माह की बधाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुख्य आश्रमों के अलावा अनेक नाम चर्चा घरों में नाम चर्चाओं का आयोजन होता है। महीने भर गांव-गांव, शहर-शहर, अलग-अलग जगहों पर नाम चर्चाओं में डेरा प्रेमी मानवता भलाई के कार्य करके खुशियां मनाते नजर आते हैं। कहीं जरूरतमंदों को राशन बांटते हैं तो कहीं स्कूलों को पाठ्य सामग्री, किसी की बेटी की शादी में मदद करते हैं, किसी का मकान बनाकर देते हैं तो कहीं रक्तदान करते हैं। एक खास बात है कि इस माह में आयोजित होने वाले पौधारोपण अभियान में भी सभी हिस्सा लेते हैं और पौधे लगाते हैं, साथ ही उनके देखभाल का प्रण भी लेते हैं। इस बार इस पावन अवतार माह की खुशी में अभी तक हुए कुछ कार्यक्रमों की झलकियां आपको दिखाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अवतार माह के आरंभ होने की खुशी में नाम चर्चा करते प्रेमी पानीपत के हुड्डा कॉलोनी के संगत ने गरीब मजदूरों को खाना व मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस अवसर पर साथ संगत ने चांदनी बाग के इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर काम कर रहे गरीब मजदूरों को खाना खिलाया और मिठाई बांटी। इसके बाद सेक्टर 24 की झुग्गी बस्ती में गए, वहाँ पर गरीब व अति लाचार लोगों को खाना व मिठाई बांटी व उनके डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे भलाई के कार्यों के बारे में भी बताया। इस दौरान संजय इंसा, ब्रिज बाला, पूजा इंसा, मीनू इंसा, सुरेंद्र आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय है। इधर यूपी के छपरौली ब्लॉक में भी डेरा प्रेमियों ने एक गरीब जरूरतमंद बहन को मकान बनाकर दिया।